हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। तो गाइस, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप एमसील की मदद से, जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं एमसील फटाफट, इसकी मदद से ये जो मेरा टंकी है, ये थोड़ा नीचे से ये क्रैक हो गया, फट गया यहाँ पे, और यहाँ से पानी निकल रहा था, तो इसको हम कैसे सही कर सकते हैं इस एमसील से। तो फ्रेंड, क्योंकि इसमें से पानी निकल रहा था, तो फिर मैंने सारा इसका पानी जो है यूज करके निकाल दिया है। और इस टाइम ये टंकी खाली है पूरी तरीके से। तो फ्रेंड, इसके लिए आपको सबसे पहले एमसील को निकाल लेना है। तो फ्रेंड, इसमें आपको दो पैकेट मिलते हैं, एक तो आपको मिलता है एमसील हार्डनर मिलता है, तो और दूसरा फ्रेंड आपको मिलता है यहाँ पे एमसील का रेजिन बेस। तो फ्रेंड, इसको आपको दोनों को मिक्स करके ही लगाना होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको इसको कैसे यूज करना है। इसके लिए आपको फ्रेंड थोड़ा सा पानी चाहिए होगा, मैंने पानी ले लिया है। इसको आपको फाड़ लेना है सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे जो रेजिन बेस है वो हमारा हरे रंग का है, इसका रंग कुछ हरा रंग है, और जो हमारे पास जो हार्डनर है फ्रेंड्स, हार्डनर वो ब्लैक रंग का है, मतलब काले रंग का है ये। तो इसको आपको निकाल लेना है, आपको अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा लेना है। थोड़ा सा मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने थोड़ा सा ले लिया है। तो फ्रेंड, मैंने इक्वल अमाउंट में हार्डनर और रेजिन ले लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स, थोड़ा सा बस पानी डालना है हमें। तो फ्रेंड, इसके बाद हमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। फ्रेंड, इस तरीके से आपको इसको मिक्स करना है। फ्रेंड, आपको ध्यान देना है ज़्यादा गीला भी ना हो, ज़्यादा सूखा भी ना हो। अगर आपको पानी इसमें थोड़ा कम लगता है तो आप पानी इसमें थोड़ा और मिक्स कर सकते हैं, जैसे मैं थोड़ा सा पानी इसमें और मिला ले रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो गया है, दोनों का कंपोजिशन आधा आधा लेना था। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसको मिक्स कर लिया अच्छे से, अब ये मिक्स हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये क्रैक है, तो फिर मैं इसको यहाँ पर लगा दूंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको थोड़ा सा लेके यहाँ पे इसको इस तरीके से इसको भर देना है। तो फ्रेंड, इस तरीके से आपको करना है यहाँ पे। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से लगा दिया है यहाँ पे। अब इसके बाद दोस्तों हमें इसको सूखने देना है पूरा, ये अच्छे से सूख जाएगा, उसके बाद हमें इसमें टंकी में पानी भरना है। तो फ्रेंड, जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास ये थोड़ा सा बच गया है, तो इसको जहाँ भी एक क्रैक हो कहीं पर भी आप इसको लगा सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी क्रैक आ रखा है थोड़ा सा, तो फिर इसको भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा आप पानी मिक्स कर ले। तो फ्रेंड, यहाँ पे भी इसको आप लगा सकते हैं, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा गीला कर लिया है। तो फ्रेंड, ये आप देख सकते हैं सूख चुका है थोड़ा सा पानी इसमें जो मैंने डाला था। इसके बाद फ्रेंड, इसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं, इसको इस तरीके से आपको लगाना है, इस तरीके से फ्रेंड इसको आपको भर देना है इसको पूरे अच्छे तरीके से, आप जैसे इसमें आप देख सकते हैं। फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैंने पहले से लगा रखा है, सील ने यहाँ पे इसको अच्छे से जोड़ रखा है, पकड़ रखा है। तो फ्रेंड, ये था तरीका कि हम कैसे एमसील से
जहाँ भी हमारा कोई क्रैक हो या फिर कोई प्लास्टिक में फट गया हो कहीं पे, उसको हम कैसे जोड़ सकते हैं। फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे दे रखा है। जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आपको रिमूव द रैपर, सबसे पहले आपको रैपर यहाँ से निकाल लेना है। उसके बाद आपको इक्वल भागों में इसको बांट देना है, उसके बाद अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद इसको आपको अप्लाई कर देना है। तो फ्रेंड ये पूरा प्रोसेस था कि हम कैसे कर सकते हैं, प्रोसेस बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ लाइक, प्लीज़ शेयर। थैंक यू।